मैं आचार्य श्याम मोहन त्रिपाठी आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से कर्क राशि के बारे में बताने जा रहा हूँ। कर्क राशि के लिए 2024 नवंबर महीना कैसा रहेगा, आपके कैरियर में किस तरह बदलाव होंगे, कैसे नौकरी व्यवसाय में वृद्धि होगी, आपका कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा, ये सब जानने के लिए कर्क राशि के लोग पूरी इस वीडियो को देखेंगे तो समझ पाएंगे कि नवंबर महीना 2024 आपके लिए, आपके भाग्य के लिए किस तरह ग्रहों की स्थिति किस तरह बनने जा रही है, क्या क्या लाभ होने जा रहा है, ये सब आप समझ पाएंगे। दोस्तों, कर्क राशि के भाग्य में विशेष परिवर्तन होगा, क्योंकि शनि देव महाराज की बड़ी कृपा होने जा रही है। शनि देव महाराज बहुत मजबूती से कर्क राशि का साथ दे रहे हैं। आपके जो कार्य अटके हुए थे, रुके हुए थे, वह कार्य पूर्ण होने का समय आ गया है। बहुत दिनों से जिसकी आपको इंतजारी थी, वह कार्य भी आपका पूर्ण होगा, क्योंकि शनि देव महाराज साक्षात कर्क राशि के ऊपर कृपा करने जा रहे हैं। आपके नौकरी व्यवसाय में वृद्धि होगी, आपका रुका अधूरा अटका कार्य भी पूर्ण होगा, आपके घर परिवार में सुख शांति आएगी। जो अभी तक पारिवारिक सामंजस्य आपका बिगड़ा हुआ चल रहा था, वह भी कार्य पूर्ण होगा, पारिवारिक सामंजस्य भी अच्छा होगा। कर्क राशि के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय आने जा रहा है। कर्क राशि के लोग शनि चालीसा, हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ आप करते हैं तो आपके आने वाली जो समस्याएं हैं वह समस्या छोटी मोटी सब दूर हो जाएंगी और आपका कार्य आगे बढ़ने लग जाएगा। आपके नौकरी व्यवसाय में वृद्धि होने लग जाएगी, आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार भी होगा, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर भाग जाएंगी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। कर्क राशि के लोगों के लिए शनि देव महाराज के साथ साथ गुरु बृहस्पति देव की भी कृपा बहुत जबरदस्त होने जा रही है। गुरु बृहस्पति की कृपा जिसके ऊपर होती है, धन लक्ष्मी की कृपा होती है, सांसारिक सुख भोगों के साधन में वृद्धि होता है, दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुखों की प्राप्ति होती है, घर परिवार में मांगलिक कार्य के अवसर भी आते हैं और लोगों में आपका सम्मान होगा, ख्याति को प्राप्त करते हैं, अपना फायदा नुकसान नहीं देख पाते जब आप किसी के परोपकार के लिए दौड़ जाते हैं।
आपके अंदर उदार भाव, उदार स्वभाव होने के कारण जिसकी आप मदद करते हैं उसी के द्वारा आपको कुछ तकलीफें भी मिलती हैं, क्योंकि आपका स्वभाव उदार भाव है, आप किसी के लिए सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। आपके अंदर वह भाव है जो सबको आकर्षित करता है, आपके दुश्मन भी चाहकर कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। दोस्तों, कर्क राशि के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय नवंबर महीना आ रहा है, क्योंकि आपके भाग्य में विशेष परिवर्तन 7 तारीख के बाद से दिखने लगेगा। आपके घर परिवार में सुख शांति आएगी, आपके घर में सभी लोग आपके कहे अनुसार चलेंगे, आपके नए नए रास्तों की खोज करने का समय भी मिलेगा, आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, जिससे खुशियां ही खुशियां घर परिवार में आएंगी और आपको तीर्थ यात्रा का भी लाभ मिल सकता है। दोस्तों, लक्ष्मी कुबेर की बहुत बड़ी कृपा हो रही है, जिससे धन लक्ष्मी वैभव सुख शांति समृद्धि सभी आप प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, अच्छा कार्य करने के लिए हमें ज़्यादा विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कार्य में एक क्षण भी विलंब नहीं करना चाहिए। तो अगर आप गुरु बृहस्पति का पूजा करेंगे और गुरु बृहस्पति के दिन पीला भोजन किसी को कराएंगे तो बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। इसलिए दोस्तों, शनि और आपके बृहस्पति देव साक्षात कर्क राशि के ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों आपको भिखारी को भोजन, मछली को दाना, कुत्ते को रोटी अवश्य देना चाहिए, जिससे आने वाली छोटी छोटी संकटें काई की तरह छट जाए, आपकी चिंता दूर हो जाए, आपको सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हो। जय माता दी।